तो दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में बात की थी कि आखिर वरुण धवन शाहरुख खान की फिल्म में क्यों नहीं काम करना चाहते और लिटिल सिंघम पार्ट टू क्या है। इसके अलावा मैंने बात की थी कि आखिर रोहित शेट्टी और अजय देवगन की जोड़ी कहां से बनी, किस फिल्म से इनकी कहानी शुरू हुई थी। तो उसको आज आगे कंटिन्यू करते हैं, बात करेंगे सिंघम 3 की कहानी क्या है और फिल्म कितना कलेक्शन करेगी अपने पहले दिन। रणबीर कपूर शाहरुख खान की फिल्म डॉन 3 में क्यों नहीं काम करना चाहते। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज के नए वीडियो में। तो दोस्तों, रोहित शेट्टी और अजय देवगन ने काफी समय से साथ में काम नहीं किया। हालांकि रोहित की दिलवाले फिल्म और अजय देवगन की शिवाय फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई। अब ऐसे में वक्त आ गया कि इन दोनों को साथ काम करना चाहिए। हालांकि अनाउंसमेंट हो चुकी है कि सिंघम 3 बहुत जल्द शुरू हो जाएगी और फिल्म की शूटिंग भी शुरू होगी। लेकिन दोस्तों, रोहित शेट्टी की ना एक बहुत बुरी आदत है, या यूं कहें कि अच्छी आदत भी है, कि अगर उनके साथ कोई भी काम कर ले एक बार तो वो अपनी हर फिल्म में उसको कास्ट करते हैं। अगर आपने सिंघम और सिम्बा देखी होगी तो आप समझ ही गए होंगे। रोहित शेट्टी ने अजय देवगन के साथ काम किया, शाहरुख खान के साथ काम किया, यहां तक कि रणवीर सिंह के साथ भी हिट फिल्म दे चुके हैं। लेकिन डायरेक्टर्स का मानना है, यहां तक कि रोहित शेट्टी का खुद का मानना है कि अजय देवगन उनकी जिंदगी में सबसे खास है और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। रोहित शेट्टी इन दिनों बिजी है अपने प्रोडक्शन तले बन रही फिल्म लिटिल सिंघम पार्ट टू लाने में। उसे डायरेक्ट करेंगी फराह खान। ये एक एनिमेशन सीरीज है। इसके बारे में मैंने बाकी की इन्फॉर्मेशन अपनी पहली वीडियो में ऑलरेडी दे चुका हूं। बात करते हैं आगे सिंघम 3 की। रोहित शेट्टी ने जब से फिल्मों की अनाउंसमेंट की है, सिंघम 3 की, गोलमाल 5 की, यहां तक कि सूर्यवंशी की, तब से इस बात को जानने के लिए पब्लिक एक्साइटेड है कि कौन सी फिल्म सबसे पहले रिलीज होगी और कौन सी बाद में, और रिलीज कब होगी। तो इस बात को रोहित शेट्टी ने क्लियर करते हुए कहा कि सबसे पहले वो सूर्यवंशी डायरेक्ट करेंगे और उसे रिलीज करेंगे। हालांकि कब होगी ये अभी इन्होंने अनाउंसमेंट नहीं की है। कहा जा रहा है कि ये 2020 में आएगी और उस फिल्म में अक्षय कुमार है, ये बात तो आप सभी जानते हैं। खबर आई थी कि अक्षय कुमार उस फिल्म में भी एक सटके हुए और राउडी पुलिस के किरदार में दिखेंगे। लेकिन अभी जो खबर आ रही है कि उसमें सीधे साधे और ईमानदार पुलिस के रोल में दिखेंगे और उसमें अजय देवगन कैमियो भी करेंगे। डबल डोज ये है कि जब सिंघम 3 बनेगी तो उसमें अक्षय कुमार का कैमियो होगा। अब कैसे रोहित शेट्टी अदला बदली करते हैं, किस सीन में लाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, 2017 में एक न्यूज आई थी कि सनी देओल सिंघम 3 में कास्ट किए गए हैं। जब ये आपने न्यूज सुनी होगी तो आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि सिंघम जैसी हिट सीरीज से अजय देवगन दूरी बना ले। दरअसल मामला कुछ और था। हमारे बॉलीवुड में दो सिंघम बनने जा रही थी, पहली जिसे डायरेक्ट करते हैं रोहित शेट्टी और दूसरी जो बनने वाली थी उसे डायरेक्ट करने वाले थे जयंती लालगड़ा, जिसमें लीड रोल में थे सनी देओल। सनी देओल जिस फिल्म को करने जा रहे हैं वो साउथ की फिल्म है, साउथ में उसका नाम है SI3। जब सनी देओल ने इस फिल्म को साइन किया था तब अजय देवगन को उन्होंने फोन किया कि आप इस नाम को ना यूज करें किसी भी फिल्म में वगैरह वगैरह, और फिर अजय देवगन ने भी बात मान ली, कहा कि ठीक है मैं यूज नहीं करूंगा। अब देखना यह दिलचस्प होगा, आता माजी सटकली जैसे डायलॉग सनी देओल कैसे लेते हैं या फिर वो कुछ अपना नया स्टाइल लेकर आते हैं। दोस्तों, खबर तो ये भी है कि लव रंजन, जिन्होंने कार्तिक आर्यन की लाइफ ही बना दी, उन्होंने प्यार का पंचनामा, सोनू के टीटू की स्वीटी जैसी कई फिल्में उनके साथ दी हैं, वो अजय देवगन और रणबीर कपूर के साथ एक फिल्म बनाने की सोच रहे हैं। अब फिल्म कौन सी होगी, कब बनेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो रणबीर कपूर छाए हुए हैं बॉलीवुड में जब से उनकी फिल्म संजू रिलीज हुई है। लेकिन अजय देवगन और रणबीर कपूर की जोड़ी आखिरी बार नजर आई थी राजनीति फिल्म में, वो जो कि 2010 में आई थी। फिल्म को डायरेक्ट किया था प्रकाश झा ने। दोस्तों, खबर आई थी कि शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड सीरीज या हिट सीरीज में रणबीर कपूर नजर आने वाले हैं। मैं बात कर रहा हूं डॉन की। रणबीर कपूर को ये फिल्म ऑफर की गई थी लेकिन रणबीर कपूर ने फिल्म ठुकरा दी। एक्चुअली में जो डेट्स चाहिए थी मेकर्स को वो डेट्स ऑलरेडी ब्लॉक थी रणबीर कपूर की, और रणबीर कपूर ने इसलिए भी फिल्म में काम करने से मना कर दिया क्योंकि उनका कहना था कि अभी ऐसी फिल्मों में काम करने का सही वक्त नहीं है। हालांकि आने वाले कुछ समय बाद मैं जरूर ऐसी फिल्मों में काम करूंगा। डॉन वही जो 2006 में रिलीज हुई थी, अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन की रीमेक थी। आफ्टर दैट 2011 में डॉन 2 बनाई गई। उस फिल्म के एंड में दिखाया गया कि डॉन 3 भी बहुत जल्द आने वाली है। लेकिन 8 साल बीत गए और फिल्म अभी तक चर्चाओं में है। कब बनेगी इसकी कोई भी खबर सामने नहीं आई है और ना ही फिल्म की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है। शाहरुख खान बहुत चूजी हो गए हैं फिल्मों को लेके। अब
वो भी आमिर खान की तरह हो गए हैं। दरअसल ये होना भी चाहिए क्योंकि करियर दाव पे लगा है, उनकी लगातार फिल्में फ्लॉप पे फ्लॉप जा रही है और अभी ऐसे कदम ना उठाएंगे तो कब उठाएंगे। बात करते हैं कि सिंघम 3 की कहानी क्या होगी। तो जैसा कि हमने सिंघम में देखा था कि वो एक लोकल बेस्ड स्टोरी थी, आफ्टर दैट नेशनल पे आई सिंघम रिटर्न में, जिसमें पॉलिटिक्स और बाबाओं से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको दिखाया गया। अब खबरें आ रही हैं कि सिंघम 3 में इंटरनेशनल बेस्ड स्टोरी होगी, जिसमें अजय देवगन इंटरनेशनल माफिया से लड़ते हुए और उनसे हो रही प्रॉब्लम से भिड़ते नजर आएंगे, उनको सॉल्व करते नजर आएंगे। अब बात करें कि कितने का कलेक्शन करेगी फिल्म। तो दोस्तों खबर आ रही है या लोगों का भी मानना है कि ये फिल्म बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस में 500 करोड़ का कलेक्शन आराम से कर जाएगी, क्योंकि अजय देवगन आजकल फॉर्म में है। ये जो लाइन है ना, ये पहले तीनों खान्स के लिए कही जाती थी कि अगर खान्स किसी भी फिल्म में है ना तो ये फिल्म इतने का कलेक्शन कर लेगी, 1000 करोड़ आम बात है ये वो। लेकिन अब खान्स थोड़े पीछे हो गए हैं और अभी अजय देवगन ऊपर आ गए हैं। बात कर लेते हैं सिंघम की छोटी मोटी जानकारियों के बारे में। तो फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं रोहित शेट्टी, जैसा कि आप सभी जानते हैं। फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं रिलायंस एंटरटेनमेंट। फिल्म प्रेजेंटेड बाय रिलायंस एंटरटेनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय रिलायंस एंटरटेनमेंट। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपनी राय दो और फिल्म से रिलेटेड सवाल पूछने के लिए नीचे कमेंट करें। देखते रहें बॉलीग्रैड स्टूडियोज। थैंक यू।